विदिशा जिले के पठारी क्षेत्र में पिछले 15 से 20 दिनों से बारिश नहीं हुई है। इस कारण खेत में खड़ी सोयाबीन और धान की फसलें सूखने लगी है। बारिश न होने से गर्मी और उमस बढ़ गई, जिस कारण से सोयाबीन के पौधों से फलियां झड़ रही है। झिरझिरा रोग से भारी नुकसान नजर आ रहा है। उमस के कारण इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं जिन किसानों के पास ट्यूबवेल और कुओं में पानी है, वह किसान खेतों में पानी चला रहे हैं। वहीं जिनके पास पानी देने की सुविधा नहीं है, वह लोग भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। क्षेत्र में किसानों ने लगभग सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन बोया है। 3000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल है। अगर जल्दी बारिश न हुई तो खेत में खड़ी फसल मुरझा कर सूख जाएगी। खेतों की जमीन सूख चुकी है और खेतों में दरारें दिखाई देने लगी है। क्षेत्र में इस बार औसत बारिश का आंकड़ा काफी पीछे बना हुआ है। अब तो प्रकृति भी बारिश की विदाई के संकेत देने लगी है। खेतों में कांस के फूल आने लगे हैं। पुराने ग्रामीण परंपराओं के अनुसार जब खेतों में कांस के फूल लगने लगते हैं तो बारिश की विदाई समझी जाती है, इसीलिए किसान चिंतित है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। राजू भैया, खेती की क्या स्थिति है? झिरझिरा लगा है, इल्ली लगी है, 15 दिन से पानी नहीं गिर रहा है, तो इसमें कोस भी गिर रही है जी नीचे। तो नुकसान का आकलन कैसे है? नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या सोयाबीन की आएगा नहीं? नहीं, पानी नहीं गिर रहा तो कुछ नहीं हो रहा। कहीं पानी गिरता है तो क्या स्थिति बनेगी? पानी गिरेगा तो आधे में आधा आ पाएगा, ये स्थिति है इसकी। मैं हूँ सोयाबीन के खेत पर, आप देखिए नुकसान कितना दिखाई दे रहा है। 15 दिन के करीब होने को है, बारिश हुई नहीं है। किसान बताते हैं झिरझिरा लग चुका है, फलियां झल रही हैं और इल्लियां काफी नुकसान कर रही हैं। इसलिए उनका कहना है कहीं बारिश नहीं होती है तो काफी नुकसान है, बारिश होती भी है तो आधा निकलने की उम्मीद है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।